भारतीय टीम के T20 वर्ल्ड कप 2024 को जीतने के बाद वह भारत वापस लौटे। भारत लौटने के बाद टीम इंडिया का जोरदार स्वागत हुआ। टीम इंडिया ने मुंबई में नरीमन पॉइंट से बानखेड़े स्टेडियम तक का सफर ओपन बस में तय किया। यहां विक्ट्री परेड का आयोजन होना पहले से ही तय था, इसलिए फैंस अपनी पलके बिछाए मुंबई की सड़कों पर अपने खिलाड़ियों की एक झलक पाने के लिए इंतजार कर रहे थे। लोगों का हुजूम इस कदर मुंबई के सड़कों पर था, ऐसा लग रहा था मानो पूरी मुंबई एक जगह इकट्ठी हो गई है। फैंस भारतीय टीम के खिलाड़ियों को देखने के लिए इतना बेकाबू थे कि अपने जान जोखिम में डालनी भी शुरू कर दी थी। कोई पेड़ पर चढ़ रहा था तो कोई दीवार पर, व टीम इंडिया के खिलाड़ी डबल डेकर बस में थे, यानी फैंस के काफी ऊपर। टीम इंडिया जब नरीमन पॉइंट से निकली और कुछ दूर पहुंची थी, तभी एक फैन पेड़ की टहनी पर चढ़कर काफी करीब से टीम इंडिया के सितारे की फोटोज खींच रहा था। उसका यह कदम देखकर विराट कोहली के साथ अन्य खिलाड़ी भी हैरान रह गए। बता दें कि यह व्यक्ति अकेला नहीं था जो पेड़ पर चढ़ा था, ऐसे काफी लोग पेड़ों पर चढ़कर खिलाड़ियों को देखने के लिए बेताब हुए पड़े थे। लोग तो इस कदर बेकाबू पड़े थे कि अगर थोड़ी भी चूक होती तो बड़ी मुसीबत हो सकते थे। अगर कोई भी पेड़ से गिरता तो पेड़ के नीचे खड़े हजारों फैंस की जान पर बात बन सकती थी। हालांकि गनीमत रही कि ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। बता दें कि फैंस सड़कों पर नाच रहे थे, यह देखकर खिलाड़ी भी बस के ऊपर जमकर झूम रहे थे। कोच राहुल द्रविड़ भी इस माहौल में अपने आप को रोक नहीं पाए और वह भी झूमते दिखे।